बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वीवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है, और तो मेरे तमाम देखने वाले वीवर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे भी दुआओं में साथ याद रखें। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी करें, ठीक है। तो हमने वीवर्स पिछला जो हमने पढ़ा था लेटर, वो हा था, ठीक है। आज हम उसका नेक्स्ट लेटर पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरे साथ साथ आप लाइन रिपीट करें। स्काई लाइन, सेकंड टू मिडल्स नेम इज ग्रास लाइन, ठीक है। ये जो है टू मिडल्स लाइंस ग्रास लाइंस, एंड फोर्थ लाइन नेम इज रूट लाइन। तो व्यूअर्स, ये जो आज का हम लेटर पढ़ेंगे, इस लेटर का नाम है आई और इसका साउंड है ए, और ये कौन सा लेटर है? ग्रास लेटर है, ठीक है। आज हम ग्रास लेटर पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को पता हो कि आज हम कौन सा लेटर पढ़ रहे हैं, ग्रास लेटर, ठीक है। आई इसका नाम है और ए इसका साउंड है, ए, ठीक है। ए आप लोगों ने खींच के ज़रा पढ़ना है, ए। आइए इसकी फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले, कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से ही बच्चे को आप स्टार्ट करवाएं। मेरे साथ इसकी फॉर्मेशन पढ़ें आप लोग, डाउन अबव डॉट, डाउन अबव डॉट, डाउन अबव डॉट। सो ये हमारा कौन सा लेटर हुआ? ग्रास लेटर हुआ, ठीक है। कौन सा लेटर ये हमारा हुआ? ग्रास लेटर है, क्योंकि ये मिडल की टू लाइंस में आया है, तो ये हमारा ग्रास लेटर है। इसको इसका इसको हम पढ़ते हैं ए, इसका साउंड है ए और इसका नाम है आई। आइए इसको होलो लेटर हम बना लेते हैं, कि ये होलो लेटर कैसे बनता है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें इसके होलो लेटर बनाने की। ये देखें यूं, फिर यूं आ जाएगा यहाँ से गोल। ये मेरा ख्याल वीडियो में नहीं आ रहा है, चलें ये इस तरह आ गया अभी। और यहाँ पर ये डॉट, ये वन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नीचे को आएगा ये, ठीक है। और ये नंबर टू है, तो इसको हम फिल कर लेते हैं। फिल हम करेंगे उसी कलर पेंसिल या कलर मार्कर से जो हमारा लेटर है, यानी कि ग्रास लेटर है, तो हम कलर मार्कर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ग्रीन। तो आइए इसको मैं फिल कर लेती हूँ, मेरे साथ पढ़ें, डाउन अबव द डॉट। ये देखिए नंबर वन पे एरो नीचे जा रहा था और नंबर टू पे डॉट पे लगाया, डाउन अबव द डॉट। इसी तरह आप बच्चों को बताएं कि ये लेटर हमारा ग्रास है, तो इस तरह से बॉक्स बनाएं आप बड़ा सा, बच्चे को घर पे खुद बनाने दें ताकि बच्चा वो बताए। फिर उसकी फॉर्मेशन आप उसी कलर पेंसिल से बताएं, कि ये देखें डाउन अबव डॉट, ठीक है। और यहाँ पे साथ छोटे छोटे ग्रास बना दें ताकि पता हो कि ये ग्रास है। आप अगर इसको फिल भी कर देंगे ना, इस बॉक्स पूरे को, तो तब भी बच्चे को कन्फर्म पता चल जाएगा कि ये कौन सा हमारा लेटर है, ठीक है। जैसे आप ब्लैक से आप लिख के ना इसको, और ग्रीन मार्कर से आप ड्रॉ करके, तो अंदर लाइट ग्रीन कलर को आप कलर से फिल कर दें ताकि बच्चे को समझ आ सके। आइए इसकी पिक्चर्स के साथ अब हम देख लेते हैं कि इसकी पिक्चर्स में साउंड के साथ कैसे आ रहा है। देखिए ये पिक्चर में भी पहले इसी तरह ही है, डाउन अबव डॉट, ठीक है। ए इग्लू, ए इंक, ए इंजेक्शन, इग्लू इंक इंजेक्शन, ए की आवाज़ आ रही है ना, इग्लू इंक इंजेक्शन, ए इग्लू ए इंक ए इंजेक्शन, ठीक है। ये ई की आवाज़ आ रही है इसमें, ठीक है। और जैसे मैंने मैग्नेट वाले लेटर्स आपको दिखाए थे, आप बच्चों को रख के यूँ बताएं, ठीक है। ये तो मेरी लाइंस खुली ज़्यादा नहीं है, आप लोग लाइंस ज़्यादा खुली बनाएं और बच्चे को यूँ उसका बताएं कि डाउन अबव द डॉट, डाउन अबव द डॉट। इसी तरह एयर में आप यूँ करवा सकते हैं, ये देखिए एयर में यूँ करवाएं, डाउन अबव द डॉट, डाउन अबव डॉट, ठीक है। इसी तरह टेबल पे आप यूँ करवाएं, डाउन
अबव डॉट, डाउन अबव डॉट, इस तरह से आप करवाएंगे तो बच्चे को डेफिनेटली समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आज की अच्छी बात कहना चाहूँगी कि बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजिया कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक लेता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।